Welcome to Karm & Co Education, Strive to Excellence. Hello students, मैं आदित्य भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं YouTube चैनल Karm & Co Education पे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 NCERT CBSE 9th चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2। देखो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y देन शो दैट AB पैरेलल CD। क्वेश्चन ये कहता है कि पहले तो x और y की वैल्यू निकालो इसमें और प्रूव करना है AB पैरेलल होगा CD के। देखिए सबसे पहले 50 और x मिला के लीनियर पेयर बनेंगे, 50 प्लस x बराबर 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं यहां से कितनी निकाल सकता हूं, 180 माइनस 50 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ रही 130। नाउ y तो 130 होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब x बराबर हो गया y के, x भी 130 y भी 130 और दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ alternate angles, they are forming a pair of alternate angles। देखो ये z की शेप बना रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि z की शेप में बनने वाले एंगल क्या होते हैं, alternate एंगल होते हैं और वो इक्वल होते हैं। इस बार हमें लाइंस का नहीं पता कि वो पैरेलल है या नहीं, लेकिन एंगल्स का पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो जब ये एंगल इक्वल है तो ये लाइंस पैरेलल होंगी, जब ये एंगल्स इक्वल है तो ये लाइंस पैरेलल होंगी, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए बी पैरेलल सी डी, सी डी पैरेलल ई एफ और y और z का रेशियो 3:7, फाइंड x। ठीक है, देखो ए बी पैरेलल सी डी दिया है, सी डी पैरेलल ई एफ दिया, तो इसका मतलब ए बी और ई एफ भी पैरेलल होंगे, ए बी और ई एफ भी पैरेलल होंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल, ये इसके, तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक, हमें क्वेश्चन में गिवन है y और z का रेशियो कितना है 3:7 का, 3:7। अच्छा, सबसे पहले अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो ए बी पैरेलल ई एफ हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि ए बी पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। ठीक है, और जब ए बी पैरेलल होगा ई एफ के तो एंगल एक्स जो है वो जेड के बराबर होगा, एंगल एक्स जो है वो जेड के बराबर होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल एक्स जो है वो जेड के बराबर होगा, क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, एक्स और जेड बराबर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में हमें दिया है वाई और जेड का रेशियो 3:7। नाउ वाई और जेड का रेशियो दिया है 3:7, मैं जेड की जगह एक्स लिख सकता हूं क्योंकि एक्स और जेड बराबर है, तो वाई और एक्स का रेशियो कितना हो जाएगा 3:7। तो हमने मान लिया लेट एक्स को मान लिया कितना 7p। ठीक है, y को मान लिया 3p। ठीक है, क्योंकि रेशियो में है इसलिए एक 3p 7p मैंने इसको मान लिया। अच्छा, अब x प्लस y बराबर 180 होंगे, क्यों? अलाइड एंगल्स। नाउ x प्लस y बराबर 180 डिग्री अलाइड एंगल्स। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले, x प्लस y मिला के 180 होंगे, x कितना है 7p, 7p, y कितना है 3p बराबर 180 डिग्री, ये आ गया 10p बराबर 180 डिग्री, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 डिग्री, p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 18 डिग्री। अब हमें x निकालना है, तो x हमारे पास कितना था 7p, यानी कि 7 × 18 126 डिग्री आ गया x। ठीक है, x हमारा कितना आ जाएगा 126 डिग्री, और अगर y निकालना होता तो y होता है हमारा 3p, तो यानी कि 3 × 18 कितना आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, if AB parallel CD, EF perpendicular CD and angle GED बराबर 126, यानी कि ये पूरा एंगल आपको 126 गिवन है, फाइंड करना है हमें AGE
एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई, ठीक है। ये में लिख देते हैं ए बी पैरेलल सी डी, ये पैरेलल है इसके, और एंगल जी ई डी ये हमें दिया हुआ है 126 डिग्री का। टू फाइंड करने हमें तीन एंगल्स, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई, ये तीन एंगल फाइंड करने हमें, ठीक है। देखो सबसे पहले एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल इस पूरे के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है। एज ए बी पैरेलल सी डी, इसलिए एंगल ए जी ई जो होगा बराबर होगा एंगल जी ई डी के, ठीक है। और एंगल ए जी ई हमारे पास हो जाएगा 126 डिग्री का। एंगल ए जी ई आ गया 126 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ए जी ई आ गया हमारे पास 126। अब एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई बराबर 180 होगा, लीनियर पेयर एक ही लाइन पे बन रहे हैं। ये वाला है हमारे पास 126 डिग्री का, तो ये कितना आ जाएगा एफ जी ई बराबर 180। तो एंगल एफ जी ई हमारे पास जो आएगा वो आएगा 180 माइनस 126, एंगल एफ जी ई आ जाएगा 54 डिग्री का, ठीक है। एंगल एफ जी ई भी आ गया। अब देखो एंगल जी ई डी जो था वो 126 डिग्री का था, ठीक है, और हमें निकालना है जी ई एफ, तो जी ई एफ प्लस एफ ई डी, जो एंगल जी ई डी है उसमें दो एंगल आ रहे हैं, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, दोनों मिला के 126 डिग्री होंगे। भाई जी ई डी के अंदर दो एंगल आ रहे हैं ना, देखो जी ई डी के अंदर दो एंगल आ रहे हैं, ये वाला ये वाला, तो जी ई एफ प्लस एफ ई डी मैंने ऐसे लिख दिया, और जी ई एफ मुझे निकालना है, जी ई एफ मुझे निकालना है, ये तो 90 का दे रखा है, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, एफ ई, ई एफ जो है सी डी पे परपेंडिकुलर है, या आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तो वो 90 डिग्री का है। तो हमारे पास एंगल जी ई एफ जो है कितने का आ जाएगा, 126 माइनस 90, एंगल जी ई एफ कितना आ गया 36 डिग्री, ठीक है। और लास्ट में अपने आंसर को बस हाईलाइट कर देना है और कुछ नहीं करना। एंगल ए जी ई पूछा था कितना आया, ए जी ई 126 डिग्री, ठीक है। एंगल एफ जी ई पूछा था, एफ जी ई कितना आया हमारे पास 54 डिग्री, और लास्ट में पूछा है जी ई एफ, जी ई एफ हमारे पास कितना आया 36 डिग्री, ये हमारे आ गए आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल है एस टी के, पी क्यू आर बराबर है 110, ये वाला एंगल है 110, एंड एंगल आर एस टी ये वाला एंगल है 130, फाइंड एंगल क्यू आर एस, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल क्यू आर एस। देखिए तो गिवन में लिख देते हैं थोड़ा सा, एंगल पी क्यू आर बराबर है 110 के, एंगल आर एस टी बराबर है 130 के, ठीक है। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस। इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी है जरा सी, ड्रॉ आर एक्स जो कि पैरेलल होगी एस टी के, हिंट में भी दिया हुआ था ये, तो मैंने पहले से ड्रॉ कर दिया कि आर से लेकर एक्स, आर से एक लाइन खींचनी जो कि एस टी के पैरेलल हो, मैंने आर एक्स खींच दी जो कि एस टी के पैरेलल है। अब एस टी के पैरेलल है इसका मतलब पी क्यू के भी पैरेलल होगी, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है एस टी के। देखो जो आर एक्स है, आर एक्स हमने एस टी के पैरेलल खींची है, आर एक्स हमने एस टी के पैरेलल खींची है, ठीक है, और एस टी जो है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के, इसलिए जो आर एक्स होगी वो पैरेलल हो जाएगी पी क्यू के, ठीक है, आर एक्स होगी जो पैरेलल हो जाएगी वो पी क्यू के भी, ठीक है। इसे लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने करा था और ये इसके पैरेलल था, इसलिए ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, एंगल पी क्यू आर बराबर क्यू आर एक्स,
एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल क्यू आर एक्स होगा, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल क्यू आर एक्स, क्यों ऑल्टरनेट एंगल्स, या तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हो इसे, ऑल्टरनेट एंगल्स है, एंगल क्यू आर एक्स जो है, क्यू आर एक्स हमारा कितना आ जाएगा 110 डिग्री का, ठीक है 110 डिग्री का आ जाएगा ये, ठीक। अब देखो ये आ गया पूरा का पूरा 110। अब एंगल ये वाला और ये वाला, ये दोनों अलाइड एंगल्स हैं। नाउ एंगल टी एस आर, टी एस आर प्लस एंगल एस आर एक्स, एस आर एक्स ये दोनों मिला के 180 होंगे। अलाइड एंगल्स शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, अलाइड एंगल्स, ठीक है। अब हमारे पास एंगल टी एस आर है 130, ये वाला एंगल है 130, तो एंगल एस आर एक्स कितना आ जाएगा 50 डिग्री का आ जाएगा। एंगल एस आर एक्स जो आ जाएगा 180 माइनस 130, एंगल एस आर एक्स कितना आ गया 50 डिग्री, ठीक है ये हमारे पास आ गया 50 डिग्री। अब ये वाला एंगल आ गया 50 डिग्री, पूरा एंगल था हमारे पास 110 डिग्री। नाउ एंगल क्यू आर एक्स, क्यू आर एक्स जो है दो एंगलों से मिलकर बना है, क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एक्स, एस आर एक्स इन दोनों एंगल से मिलकर बना है, ये है 110 डिग्री का, ये मुझे निकालना है क्यू आर एस, और ये कितने का आया अभी अभी 50 डिग्री, ठीक है। तो एंगल क्यू आर एस जो है वो आएगा 110 में से 50 माइनस कर दूंगा, एंगल क्यू आर एस मेरे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी बराबर 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। हमें ए पी क्यू एंगल 50 डिग्री का गिवन है, पी आर डी है 127 का, फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो गिवन में लिख देंगे कि एंगल ए पी क्यू बराबर है 50 डिग्री, एंगल पी आर डी बराबर है 127 डिग्री, टू फाइंड, फाइंड हमें करना है एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी पैरेलल है सी डी के, एज ए बी पैरेलल है सी डी के, इसका मतलब एंगल ए पी आर बराबर होगा पी आर डी के, एंगल ए पी आर जो होगा वो होगा बराबर किसके, पी आर डी के, पी आर डी के, और ये होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। ए पी आर में दो एंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है 50 डिग्री का, एक आ रहा है वाई, और ये आ रहा है पी आर डी 127 डिग्री। तो वाई की वैल्यू मैं सीधे निकाल सकता हूं यहां से, 127 में से 50 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 77 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 77 डिग्री, और x बराबर हो जाएगा 50 के, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स, x बराबर है किसके 50 डिग्री के, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि अपने आंसर को हाईलाइट कर दीजिए लास्ट में, कि x की वैल्यू कितनी आ गई 50 और y की वैल्यू कितनी आ गई 77 डिग्री, बस यही करना था इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, PQ और RS दो मिरर्स हैं, ठीक है। एक इंसिडेंट रे AB आती है जो B पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर फिर इस दिशा में जाती है, BC के अलोंग जाती है, और C पॉइंट से फिर रिफ्लेक्ट होकर वो CD के अलोंग आगे बढ़ जाती है। तो हमें प्रूव ये करना है इस क्वेश्चन में कि AB पैरेलल CD है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है छठा, देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले गिवन में लिख देते हैं PQ पैरेलल RS, PQ पैरेलल है RS के, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें एंगल
सॉरी AB पैरेलल CD, प्रूफ करना है AB पैरेलल CD है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए, हमने BX और CY ड्रॉ करे, ड्रॉ BX और CY जो कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने एक बात पढ़ी थी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने एक बात ये पढ़ी थी कि ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे ही ये वाले एंगल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या मिलेगा, एंगल ABX बराबर CBX, एंगल ABX बराबर एंगल CBX, इक्वेशन वन। सिमिलरली अब इसी तरह यहां पे एंगल BCY बराबर एंगल DCY, एंगल BCY बराबर एंगल DCY, इक्वेशन टू, ठीक है। और BX पैरेलल है CY के, BX जो है वो CY के पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल CBX, एंगल CBX बराबर होगा एंगल BCY के, एंगल BCY के, ये होंगे अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, और ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो ABX बराबर है CBX के, BCY बराबर है DCY के, और ये दोनों बराबर है आपस में, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमें तीनों में से क्या मिलेगा, तीनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा कि ये चारों ही एंगल बराबर है, कि एंगल ABX बराबर एंगल CBX बराबर एंगल BCY बराबर एंगल डी सी वाई, ठीक है। ये चारों ही एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। अब अगर मैं ये पूरा एंगल निकालूं ए बी सी, नाउ एंगल ए बी सी जो होगा वो होगा ये प्लस ये, ठीक है, एंगल ए बी एक्स प्लस सी बी एक्स, एंगल ए बी एक्स प्लस एंगल सी बी एक्स, और मैं एंगल निकालूं बी सी डी, जो बी सी डी एंगल निकालूंगा वो होगा बी सी वाई प्लस डी सी वाई, एंगल बी सी वाई प्लस एंगल डी सी वाई, ये होगा, ठीक है। अब और अभी अभी हमने लिखा कि चारों ही एंगल बराबर है, तो मैं इन दोनों से मैं ये नहीं कह सकता कि एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल बी सी डी के, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल बी सी डी के, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं जिसमें ए बी और सी डी पैरेलल और बी सी ट्रांसवर्सल होगी, ठीक है। तो ये कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम की वजह से हो जाएगा कि ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों एंगल बराबर मिल गए, ठीक है, और ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, फिर पैरेलल हो जाएंगी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके, सी डी के, ठीक है। इसे लिखते हैं कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये था छठा क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं कि पी क्यू और आर एक्स दो मिरर थे जो कि पैरेलल थे, ठीक है। एक रे ए बी आई जो कि इंसिडेंट रे थी, फिर वो यहां से रिफ्लेक्ट हो गए, फिर दोबारा यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, तो हमें ये प्रूव करना था कि ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो एंगल ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो मैंने यहां लिख दिया ए बी एक्स बराबर सी बी एक्स, फिर ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया बी सी वाई बराबर डी सी वाई, और हमने ये पैरेलल डाले थे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, मैंने वो भी लिख दिया यहां पे। अब इन तीनों इक्वेशन से मुझे ये पता चला कि अल्टीमेटली क्या हुआ, ये चारों ही एंगल बराबर हो गए,
ये चारों ही एंगल क्या है हमारे बराबर है, ठीक है, चारों एंगल बराबर है। फिर मैंने क्या करा, मैंने एंगल एबीसी निकाला। एबीसी जो होगा ये प्लस ये हो जाएगा, ये वाला प्लस ये वाला। एबीसी जो होगा एबीएक्स प्लस बीसीएक्स होगा, सीबीएक्स होगा, ठीक है। और जो बीसीडी होगा, बीसीडी वो ये वाला प्लस में ये वाला होगा, ठीक है। बी सी वाई और डी सी वाई मिला के हो जाएगा, और ये चारों ही एंगल बराबर हैं, तो इसका मतलब ये पूरा इसके बराबर, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए बी सी बराबर बी सी डी, ठीक है। और ए बी सी बराबर बी सी डी जब एंगल मिला, यानी कि ये पूरा एंगल इस वाले के बराबर हो गया, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ऑल्टरनेट एंगल का पेयर बना रहे हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल का पेयर बना रहे हैं। तो AB पैरेलल CD हो जाएगा, AB पैरेलल CD हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, ठीक है। तो ये थे हमारे 6.2 के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।